जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में कोर्ट सुनवाई के दौरान सोनू महाल और उनके साथियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। वो चुनौती ये रहेगी कि दोस्तों जो बातें उन्होंने मीडिया इंटरव्यू के दौरान बातें कही थी और चश्मदीद गवाह के रूप में सारी बातों का खुलासा किया था 4-5 मई की रात का, अभी तक दोस्तों सूत्रों के अनुसार यही बात सामने आई है कि ये सारी बातें कोर्ट में बयान दर्ज नहीं किया गया है। यानी पुलिस ने उनका रिकॉर्ड दर्ज कर रखा है लेकिन वकीलों के और जो कोर्ट के सामने दलीलें पेश होती हैं उस दौरान इनकी पेशी नहीं हुई, क्योंकि इनकी हालत बहुत कमजोर थी, नाजुक थी, जिसकी वजह से इनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। लेकिन अब इनकी हालत में सुधार नजर आता दिख रहा है, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो जो बातें इन्होंने अभी तक मीडिया इंटरव्यू और बाकी सभी लोगों को बताई है 4-5 मई की रात की, वही बातें दोस्तों इनको अब कोर्ट के अंदर बतानी होगी। अगर ये अपने बयान से भटकते हैं तो उसका फायदा सुशील कुमार के वकील जरूर उठाएंगे ताकि उनके खिलाफ दलील दे सकें कि पहले ये बातें ये कह रहे थे उसके बाद अपने बयानों से पलट गए, यानी कि इन्होंने जो कुछ भी सुशील कुमार और उनके साथियों के खिलाफ बातें कही थी अभी तक मीडिया रिपोर्ट में, वही बातें अब इनको कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी। जहां इनकी हालत खराब थी इसी वजह से इनको अभी तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने इनके कई सारे बयान दर्ज कर रखे हैं ऐसी खबरें सामने आई हैं, और अब तो मीडिया में भी इनकी सारी वीडियोस मौजूद है और इनके बयान हर रिपोर्ट में छपे हुए हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर निगाहें होने वाली हैं कि किन राज से पर्दा उठाते हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं बताए, क्योंकि कुछ बातें हैं जो सोनू महल ने अभी तक खुलासा नहीं किया। वो है पहला अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, जो यूक्रेन वाली महिला का किस्सा इस सब मामलों से जुड़ रहा था, उसी के साथ अजय के साथ शुरू हुए विवाद को लेकर भी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो सुशील कुमार इस केस से पल्ला झाड़ते नजर आ सकते हैं और अजय शहरावत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा निगाहें होने वाली हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।